नमस्ते साथियों, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगति की केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल, जिसका आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसकी बात करने वाले हैं। तो आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक पर्षद, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल के रूप में दे रखे, चैप्टर के बीच में और लास्ट में अभ्यास के रूप में दे रखे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज हम एकदम ईजी तरीके से हल करने वाले हैं। तो आज के जो न्यूमेरिकल हम हल करेंगे, उससे पहले भी मैंने एक दिन क्लास ली थी जिसमें मैंने बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आपको करवाए थे, और आज वाले न्यूमेरिकल आप हल कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 100% आपको यहाँ से न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ज़्यादा अगर ये देखा गया है कि जो बायो ग्रुप के बच्चे होते हैं वो न्यूमेरिकल अर्थात वो मैथ वाले सवाल के नाम से इतना डरते हैं, जबकि बड़ा डरने की बात नहीं, डर के आगे जीतते। तो आज की ये क्लास अपने लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, और लास्ट तक क्लास को पकड़े रखना, जाना नहीं है छोड़ के। और आज की जब हम क्लास पढ़ेंगे तो उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लॉग कैसे ज्ञात करते हैं, लॉग क्या होता है, लॉग 2, 3, 4, 5, 6 का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। दो सवाल तो आपके सामने लिखे हैं, इनके बाद हम और भी सवाल हल करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। फर्स्ट सवाल आपके सामने क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि, सवाल को समझना, और समझने के बाद बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा अपने दिमाग का आईक्यू यूज करना पड़ेगा। इतना तो अपने पास दिमाग हम मानते हैं कि 12th में आप आ गए, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में, अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण कर रहे हो, 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, अर्धायु, जो लगने वाला जो समय है वो अर्धायु का, अर्धायु मतलब अर्धायु काल टी हाफ का कितना होता है, 10 गुना होता है। अर्थात बेटा सीधी बात है, ये सिद्ध गड़बड़ो सवाल है, सिद्ध करना है इसमें। अब सिद्ध क्या करना वो समझो, कि एक अभिक्रिया पूर्ण होने में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लग रहा है, देखो अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना है। तो अगर इसको आपको इसलिए करना है कि माना कोई अभिक्रिया में समय लग रहा है, और समय उस समय में अभिक्रिया कितनी प्रतिशत पूर्ण हो रही है, उस समय में अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, तो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगने वाला समय है वो उसके अर्धायु काल का कितना गुना होता है, 10 गुना होता है। ये आपको सिद्ध करना है, ये अगला साफ साफ आपको ये बता रहा है कि ये सवाल हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया, ये मैंने पहले लिख दिया, मतलब ये आपको लास्ट में निकाल के आना है। सवाल से साफ है कि 99.9% अभिक्रिया होने में जो समय लगता है वो अर्धायुकाल का कितना गुना होता है, 10 गुना होता नहीं, सवाल के अकॉर्डिंग बता रहा है अगला। तो इसको हमें सिद्ध करना, अब देखो हम क्या करते हैं, कि सीधी बात है कि अभिक्रिया की दो कंडीशन लेनी है, एक तो अभिक्रिया जब 99.9% होने में लगा समय, और एक उसके अर्धायुकाल पे। तो सबसे पहले देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, जब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय हमें ज्ञात करना है, तो कैसे, पहले तो बेटा ये समझो कि जब प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हमने क्या लिखा था, याद आया, K1 = 2.303 / T log R नोट अपॉन R, ये बात लिखी थी आपने। अब सवाल में प्रॉब्लम क्या आएगी, आप बोलोगे सर इनके मान, इनके मान की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ समझो कि K1, T, R नोट और R का मान क्या होगा, अगर ये लिखना नहीं है तो फिर सवाल कहाँ से होगा, तो इनको हम कैसे लिखेंगे उसके बाद करते हैं यहाँ पे। अब देखो आपने ये लिखा, अब देखो समय, इस समय में अभिक्रिया कितनी होगी 99.9, तो समय को इस यहाँ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी का कितना, 99.9%, K1 चलो जो भी है, अभी उड़ा R नोट, आर नोट का मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, सवाल में कुछ दिया हुआ नहीं है तो अभिकारक पूरा 100 मान लेते, प्रारंभिक अभिकारक 100 होगा,
100 मान लिया। अब आप बच्चों को बेटा आर नोट, आर नोट क्या होता है, बची हुई सांद्रता। तो आप सपोज करो कि जब अभिक्रिया 99.9% संपन्न हो गई है, जब अभिक्रिया कितनी हो गई है 99.9%, तो अभिकारक कितना बचेगा 0.1, 100 में से घटा दो इसको। तो अब अगर अभिक्रिया 99.9% होने का मतलब अभिकारक कितना बचेगा 0.1%, 0.1% आपका अभिकारक क्या रहेगा, शेष रहेगा, 100 में से घटा लो नहीं आए तो। ठीक है, अब ये मान रख दो, तो देखो इस टी को तो मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इस टी का तो क्या जाएगा, टी 90.9 बराबर 2.303 प्रथम कोटि के लिए K1 लोग, आर नोट का मान कितना हो गया 100 और आर का मान 0.1। अब देखो बेटा ये थोड़े बहुत सवाल आपको हल करने आने चाहिए। देखो इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, एक बिंदु, कितना जाएगा बिंदु जाएगा ना, पॉइंट को हटाओगे तो कितना होगा 1000। अब लोग 1000 का मान कल की क्लास में पढ़ाता, लोग 1000 का मान कितना होता है, 3 होता है। तो इसको जब आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा, टी 99.9 बराबर 2.303 बट्टा K1 और लोग, समझा दो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, ये लिखा था पॉइंट को हटाया तो इस संख्या तो 1000 हो गया, तो 1000 हो गया ना बेटा, यहाँ सीधा 1000 लिख सकते हो। अब देखो आपने लिखा लोग 1000 और यहाँ चूंकि आप लिख सकते हो कि लोग 1000 का मान कितना होता है 3, लोग 1000 का मान कितना होता है 3, तो लोग 1000 का मान 3 हुआ तो 3 को इससे, तो क्या हुआ, टी 90.9 बराबर 2.303 अपॉन K1 इंटू 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 9.9 बराबर 3 को मल्टीप्लाई कर लो 6909 अपॉन K1 आया, आ गया। जब अभिक्रिया इतनी प्रतिशत होगी तो ये आ गया, इसको आप जो भी अपनी चीजें, समीकरण नंबर 1। अब अगला क्या कहना है, अर्धायुकाल का 10 गुना, तो अर्धायुकाल का तो फॉर्मूला ही सीधा आप जानते हो, अर्ध आयु काल या अर्धायु बोलते टी हाफ की बात करें तो टी हाफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1 प्रथम कोटि के लिए, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, यहां कर लेते इसको आराम से जाएगा कि समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने का मतलब क्या है, इस संख्या में इसका भाग जाएगा और इसमें इसका भाग जाएगा, तो टी 90.9 में तो किसका भाग दोगे आप, थोड़ा सा इसको ऐसा करेंगे, टी 90.9 में तो भाग जाएगा टी हाफ का। अब टी 99.9 का मान क्या होता है 0.9609 बट्टे में K1 और इसका मान क्या है 0.693 अपॉन K1। वाह, अब देखो बेटा समझना, यहाँ से K1 क्या हो गया कैंसिल। अब देखो ऊपर संख्या क्या है 6.9 और यहाँ क्या है 0.6, तो लगभग जब आप इसका इसमें भाग दोगे, इसका इस संख्या में भाग दोगे तो आपका लगभग जो भाग है वो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, पॉइंटों की बात ही नहीं करना, सीधा लगभग कितनी बार जाएगा 10 बार। तो इस पूरे को कैलकुलेट करोगे कितनी बार भाग जाएगा 10 बार, तो यहाँ लिख दिया टी 90.9 अपॉन टी हाफ बराबर कितना आया 10। अब देखो ये टी हाफ उधर जा सकता है, टी हाफ उधर जा सकता है, तो क्या हो जाएगा टी 99.9 बराबर टी हाफ इंटू 10, बेटा मैच कीजिए, मैच हुआ नहीं हुआ सेम है ना, इसका मतलब ये आपका सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब देखो यहाँ पे टी 99.9 बराबर टी हाफ इंटू 10, सीधा सवाल
इसका मतलब सीधा बात समझना कि इतनी इस अभिक्रिया को इतने होने में जो समय लगता है वो उसके अधायुकाल का कितना होता है, 10 गुना। तो ये आपका पहला सवाल मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, तो बिल्कुल इजीली है, एक दो बार लिखोगे तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बड़ा स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस सवाल की एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएगा। और ध्यानना कि ये जो सवाल था, सवाल नंबर 1, ये आपकी बुक के 112 नंबर पेज पे, बुक के 112 नंबर पेज पे, और ये जो सवाल है वो बुक के 122 नंबर पेज पे। दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और आने की भी प्रबल संभावना है, आ चुके हैं और आने की भी प्रबल संभावना है। तो सवाल 1 तो हो गया, अब सवाल 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि अभी हमें काफ़ी न्यूमेरिकल करने, कम से कम 10 न्यूमेरिकल का टारगेट लेकर चलते हैं। 4-5 तो मैंने पहले करवा दिए थे आपको और 4-5 हम और करेंगे, तो बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बड़े न्यूमेरिकल है लेकिन इजी है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला इतना कोई लफड़ा नहीं कि इसको आप एक बार ढंग से भर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो सवाल जो दूसरा सवाल है, अगर इसको भी आप अगर ढंग से समझोगे तो 90% चीज़ें तो सेम पहले वाले सवाल की तरह ही है। देखो बात करें क्या लिखा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है, 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस अभिक्रिया को 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है, अब वो किसके बराबर है? 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दुगना है। अर्थात 99% अभिक्रिया में जो समय लगता है वो समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने का दुगना है। इसका मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि T99 से ये आपको सिद्ध करना है कि T99% बराबर T90% × 2 होता है। अब इसको सिद्ध करना है तो सीधी बात है, एक बार अभिक्रिया कब माननी है? जब 99% हो जाए। और एक बार अभिक्रिया कब माननी है? जब अभिक्रिया 90% संपन्न हो जाए। तो देखो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जब आंसर, जब अभिक्रिया 99% संपन्न हो, तो जब अभिक्रिया कितनी प्रतिशत संपन्न करनी पड़े? 99%, 99। तो इसका मतलब जो सीधी सी बात है कि पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहा है, सबसे पहले तो नोट कर लेना कौन सी कोटि? प्रथम कोटि। तो फॉर्मूला क्या था? K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। आपने पहले वाला सवाल पढ़ लिया तो बिल्कुल समझ जाओगे, टी बराबर तो कितना कर देंगे? टी 99%, आर नॉट का मान कितना होगा? आर नॉट मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी? 100% होगी यहाँ पे, तो 100 कर दिया। अब आप में से कोई बच्चा बता सकता है बेटा आर का मान कितना होगा कमेंट्स में? अगर आपको आता है तो आर का मान कितना आएगा? देखो अभिक्रिया कितनी प्रतिशत हो रही है? 99%। तो इसका मतलब होता है कि 99% अभिकारक काम में आ गया। इस आर का मतलब होता है अंतिम सांद्रता। तो कितना बच्चा, जब कोई पदार्थ 99% काम में आ जाता है तो वो शेष कितना रहेगा? 1%। तो इसका मतलब आर का मान कितना हो गया? 1। अब इस सवाल को आप हल कर लीजिए। तो देखो क्या है, K1 बराबर 2.303, टी को लिख देंगे 99% लोग आर नोट का मान कितना हो गया? 100। इस आर का मान 1। अब देखो बेटा लोग 100 का मान कितना होता है? कहा था ना कि जब तक आप उस लोग वाले सवाल को, कल वाली क्लास अगर आपने अटेंड की होगी तो बिल्कुल इजी हो गई अब आपके लिए। लोग 100 का मान कितना पढ़ा था हमने? 2। तो इसको हम क्या करेंगे, K1 बराबर 2.303 T99 मल्टीप्लाई 2। अब इसको क्या कहते हैं, इसको भी ऐसा उल्टा लिख लेते हैं, T99% और K1 1 कर दिया। बोलो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या?
इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, और लोग सौ का मान चाहो तो कॉस्ट में लिख दो, लोग सौ का मान कितना होता है, दो होता है। तो ये आपको एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर वन दे दूँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्वेशन नंबर वन ये तब प्राप्त होगी जब अभिक्रिया कितनी हो, 99.9% संपन्न हो। अब देखो, अब उसके लिए लेते हैं 90% पर, जब अभिक्रिया 90% संपन्न हो तो, जब अभिक्रिया 90% संपन्न हो तो अभी बड़ा फॉर्मूला तो यही काम आएगा प्रथम कोटि के लिए। तो T बराबर क्या होगा इसमें, टी 90%, आर नोट किसी भी अभिक्रिया की पारमिशनता कितनी मानोगे, 100। जल्दी से बेटा इस R का मान बता दो, R का मान कितना आएगा सवाल में, R का मान कितना आएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, R की बात करें तो जब अभिक्रिया 90% संपन्न हो चुकी है, जब अभिक्रिया कितने प्रतिशत, 90% संपन्न हो चुकी है, तो अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी, 10%। तो सीधी बात है यहाँ R का मान कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। अब इसको रख दो मान, तो K1 बराबर 2.303 अपॉन टी 90% लोग 100 अपॉन 10 गया, तो कितना बचा, लोग 10, और कितना बताया था याद आया क्या, लोग 10 का मान 1। कल की क्लास में बात की थी, कल वाली क्लास का डिस्क्रिप्शन जो वीडियो का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको आप आराम से देख लेना बाद में। तो लोग 10 का मान, तो लोग 10 का मान कितना होता है, 1। तो इसका मतलब ये पूरा 1 हो गया, इसको इधर ले लेते हैं, तो टी 90% बराबर क्या हो गया, 2.303 अपॉन K1। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 2 देखो, लोग 10 है, लोग 10 का मान 1, तो ये संख्या आ गई। अब तो बेटा समझ गए करना क्या, समीकरण बेटा जल्दी से, जब तक आप नहीं बताओगे तो पढ़ने में मजा कैसे आएगा। तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 में नहीं बेटा, 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर, तो 1 में 2 का भाग, तो इसके नीचे ये संख्या और इसके नीचे ये संख्या आ जाएगी, तो कैसे लिखेंगे, टी 99% अपॉन टी 90%। अभी वो टी 99 बराबर क्या मान था, 2.303 अपॉन K1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ क्या था, इसके बराबर ये था। अब समझदार को इशारा काफ़ी होता, वो समझ गए होंगे क्या करना है। अब देखो बेटा, इस संख्या से ये संख्या कैंसिल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बराबर, इस पूरे के बराबर कितना बच गया आपका, 2 बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी 99% अपॉन टी 90 बराबर कितना आया, 2 आ गया। तो इसको फिर लास्ट में लिख सकते हैं कि टी 99% बराबर ये कहाँ चला जाएगा, उधर, तो टी 90% मल्टीप्लाई 2। इसी को हम हल कर रहे थे और मैंने कहा था आपको यही सीखना है। हाँ, एक चीज़ और बेटा, कि जैसे मैंने यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगाया है, अगर आप चाहो जैसे 99 करके भी छोड़ दोगे तो कोई जरूरत नहीं, प्रतिशत का निशान ये तो समझने के हिसाब से हमने इनका यूज़ किया है। अगर आप ये प्रतिशत नहीं लगाओगे तो भी बिल्कुल कंफर्टेबल है कि समझ जाओगे कि इसमें किससे हम कितनी बात कर रहे हैं। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख दो, कोई परेशानी नहीं है आपके, तो बिल्कुल ईजिली आप इनको हल कर सकते हो। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो देखो, इसके बराबर ये समीकरण आया नहीं आया आपका, आ गया कि टी 99, जब किसी अभिक्रिया को 99% संपन्न होने में जो समय लगता है, वह समय 90% अभिक्रिया संपन्न होने का दुगना होता है। तो ये सिद्ध वाले सवाल थे, ईजी थे, नॉर्मली 2 सवाल मैंने करवा दिए। इसके बाद हम अगले सवाल की बात करते हैं, तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, उसके बाद हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका, अभी सवाल और भी है काफ़ी, तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया, इसको मिटाते। इसके बाद
आपके लिए इनसे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल और भी हैं जिनको हल करने में आपको इनसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट मज़ा आएगा और समझोगे तो बिल्कुल बड़ा न्यूमेरिकल जितने टफ नहीं है। मैंने पहले कहा कि बहुत इजी होते हैं और दो तीन बार इनकी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में ये आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो और ज़्यादा नहीं है, अगर हर चैप्टर में आप 5-7-8 न्यूमेरिकल हल कर लोगे तो उनसे आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे।